नमस्कार दोस्तों, वोकल रियाज के लेसन नंबर 6 में आप सभी का फिर से स्वागत। आज के लेसन में हम कोमल स्वरों का रियाज करने वाले हैं। मेरे फर्स्ट लेसन में मैंने शुद्ध स्वरों का रियाज करवाया था। जिन लोगों ने अच्छी तरह से शुद्ध स्वर लगाना सीख लिया है वो आज के इस लेसन का फायदा उठा सकते हैं। पहले शुद्ध स्वर लगाना सीखने के बाद ही आप इस लेसन में कोमल स्वर लगाने का रियाज कर सकते हैं। तो जिन्होंने शुद्ध स्वर का रियाज पहले किया नहीं होगा वो मेरा लेसन नंबर 1 जरूर देखें और उसके बाद ही आज के इस लेसन का रियाज करें। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। उनमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं और बाकी 5 मतलब रे ग म ध नी इनके दूसरे स्थान होते हैं जिन्हें हम कोमल या तीव्र कहते हैं। इनमें रे ग और ध नी ये कोमल स्वर होते हैं और म तीव्र होता है। तो ऐसे 7 और 5 रे ग म ध नी कोमल और तीव्र ये मिलाकर 12 स्वर होते हैं। तो इन्हीं का आज हम रियाज करने वाले हैं। तो कोमल स्वरों का रियाज शुरू करते हैं। वही मैं गाऊंगी, आप दोहराइए। तो कोमल स्वरों का रियाज
आरोह और अवरोह में कोमल स्वरों का स्थान। अब हम सा से हर एक स्वर मतलब 12 स्वर कोमल और शुद्ध है, उनका अंतर उसके हिसाब से गाएंगे। मैं गाऊंगी, आप दोहराएंगे। सारे सारे सागर सागर सामा सामा सापा आरोह में नीचे के सा से सारे स्वरों का अंतर। अब हम ऊपर के सा से सारे स्वरों का अवरोही चलन में अंतर गाएंगे। तो ये हुए अवरोही चलन में सारे स्वरों का सा से अंतर ऊपर के सा से। अब हम 12 स्वर एक साथ गाएंगे, आप मेरे साथ गाइए। स्वर, इनमें 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत यानी कोमल और तीव्र, इनका आज हमने रियाज किया। अगले लेसन में जल्दी ही मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।